2014 में 26 मई के दिन नरेंद्र मोदी ने जब राष्ट्रपति भवन के परिसर में पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब वो भारतीय राजनीति का एक अनूठा मोड़ था। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 साल आज पूरे हो रहे हैं। स्वतंत्र भारत में वो पहले गैर कांग्रेसी नेता हैं जो लगातार 8 सालों से सत्ता पर आसीन है। बीते 8 सालों में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, 2019 में लोकसभा चुनाव भी हुए। इन 8 सालों में गुजरात की सत्ता से निकलकर केंद्र की राजनीति करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रांड मोदी के दम पर बीजेपी की काया पलट कर दी, देश का सियासी नक्शा बदल कर रख दिया। ऐसे में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इन 8 सालों में नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को कहां से कहां पहुंचा दिया और पार्टियों में कैसे बीजेपी सुपर पावर बन गई। संघ भले ही व्यक्तिगत पूजा और व्यक्तिगत नेतृत्व के खिलाफ रहा हो, लेकिन 2014 और 2019 के आम चुनावों में ये साबित कर दिया कि दोनों चुनावों में बीजेपी की जीत के करिश्मे की सबसे बड़ी वजह नरेंद्र मोदी रहे हैं। इन दोनों चुनावों में वोटर्स ने सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया। बीजेपी ना केवल दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, बल्कि देश में हर जगह उसका झंडा फहराने लगा है। पहले बात करते हैं 2014 के चुनावों की। 2014 में केंद्र में पहली बार बीजेपी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी, यानी 1998 में वाजपेयी के नेतृत्व वाली बीजेपी की 182 में से 100 ज्यादा। एक जमाने में संघ के प्रचारक रहे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब वो पहली बार संसद की सीढ़ियां चढ़े थे। इस समय 7 राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकार थी, जबकि 14 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। इसके बाद 2015 से 2017 के बीच यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगियों की सरकार बनी। 2014 के बाद 2018 तक बीजेपी ने भारत के सियासी नक्शे का रंग ही लगभग भगवा कर दिया। ये मोदी के 2013 में दिए कांग्रेस मुक्त नारे की हकीकत में बदलने की शुरुआत थी। इसके बाद गठबंधन ने एक एक करके कई राज्यों में कांग्रेस पर बढ़त बनानी शुरू की। 2018 की शुरुआत में सबसे ज्यादा 21 राज्यों में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी। अब बात 2019 की कर लेते हैं। 2019 के चुनाव नतीजों से पहले राजनीतिक विश्लेषक मोदी की वापसी की बात तो कर रहे थे, लेकिन वो ये कहना नहीं भूलते थे कि बीजेपी की सीटों की संख्या कम हो जाएगी। जबकि उस चुनाव में तब के बीजेपी अध्यक्ष रहे अमित शाह ने नारा दिया था, अब की बार 300 पार। एक किताब में इस बात का जिक्र है कि इस नारे पर पार्टी के अंदर भी बहुत लोगों को बहुत यकीन नहीं था, लेकिन मोदी और शाह की जोड़ी को उम्मीद थी कि सांसदों की संख्या पिछली बार से अधिक होगी। इस चुनाव में भी मोदी को ही मुद्दा और मोदी को ही चेहरा बनाया गया। चुनाव के हर चरण के लिए अलग मुद्दे रखने और अलग प्रचार शैली नारा बनाने की योजना भी बनी। 2019 के चुनाव में बीजेपी की और कायापलट हो गई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी देश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पार्टी ने 303 सीटों पर जीत दर्ज की। इस चुनाव में बीजेपी जितनी सीटों पर चुनाव लड़ी, उतनी सीटों में से 69% सीटों पर जीत हासिल की, जबकि 2014 में करीब 66% ऐसी सीटें जीती थी। बीजेपी को कुल मिले वोटों में भी 5 साल में खासा इजाफा हो गया। 2014 में जहां उसे 31% वोटर्स का समर्थन मिला था, वहीं 5 सालों में ये बढ़कर 37.4% हो गया। 2019 में 17 राज्यों में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी। वाजपेयी आडवाणी के नेतृत्व तक बीजेपी को उत्तर भारत या हिंदी पट्टी की पार्टी माना जाता था, जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र शामिल होते थे। यहां तक कि 2014 के चुनाव में भी बीजेपी ने 80% सीटें जीती थी, लेकिन 2019 में मोदी की अगुवाई में वो पूरे भारत की पार्टी बन गई। इन चुनाव में पार्टी ने पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ साथ पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी अपनी जगह बना ली। दक्षिण में वो कर्नाटक के अलावा तेलंगाना में भी सीट जीतने में कामयाब रही। जैसे जैसे बीजेपी का विस्तार होता गया, विपक्ष खासकर कांग्रेस सिमटती चली गई। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के कुछ आंकड़े बताते हैं कि अब बीजेपी देश में सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी बन गई है। जाहिर है देश भर में बीजेपी सरकारों की गिनती, उसकी ताकत और हर रोज विस्तार हो रही इस पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा मिलने पर किसी को हैरानी भी नहीं हो रही। 1957 के चुनावों के मैदान में उतरने के लिए जनसंघ के पास पैसा नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसके बरक्स 2019 के चुनाव में देश भर में 27,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। बीजेपी का मुख्यालय भी अब 5-सितारा सुविधाओं वाला है। मोदी सरकार के इन 8 सालों को भरपूर उपलब्धियों वाला और गुड गवर्नेंस वाला काल माना जा रहा है, जिसमें गरीबों के कल्याण के लिए खूब काम हुए हैं। मोदी के पिछले 8 साल के कार्यकाल को अगर देखा जाए तो वो काशी, अयोध्या और केदारनाथ जाते हैं, लेकिन साथ ही सबका साथ सबका विकास की बात भी करते हैं। 3 तलाक का कानून भी लाते हैं।
ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में मोदी सरकार बेरोजगारी और महंगाई जैसी चुनौतियों से कैसे निपटती है। लोगों की आस जीवन यापन के कुछ मूलभूत मुद्दों पर टिकी है। आसमान की ऊंचाइयों को छूने के साथ जमीनी धरातल पर उसे तब्दील करना ही मोदी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ा सपना भी। इस तरह के ऐसे ही तमाम खास वीडियोस के लिए आप बने रहिए टाइम्स ऑन भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।